ये है जी हमारा तंदूर, और ये है कोयले वाली आग। अब बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है जब इसको हम शुरू करते हैं। पहले हमें नहीं पता था इसके बारे में कि इस ऐसे तंदूर में आग कहाँ से लगाई जाती है, से लगाई जाती है। इसका एक नीचे इसका एक तहखाना दिया हुआ है जिसमें कि राख, ऊपर से राख गिरती रहती है, नीचे आती रहती है। और ये देखो ठीक से, ऊपर से जो राख बनती रहती है नीचे गिरती रहती है। फिर हम इसको यहाँ से राख राख को निकाल लेते हैं, और थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है जब ये इसमें आग शुरू करते हैं। पहले नहीं पता था लेकिन अभी हमें पता है। ये है कपूर, कपूर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। वैसे भी शुद्ध रहता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है कपूर। ये है सरस्वती कपूर, और थोड़ा सा मैंने लिया है ये, इसमें जो कौन सा ऑयल होता है, नहीं सोयाबीन का या जो भी हमारा सनफ्लावर ऑयल है वो ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, कोई भी जो कुकिंग ऑयल है वो ले सकते हैं। और साथ में हमारे कोयले, तो आग शुरू हो चुकी है। ये जो इस तरह के जो कोयले होते हैं ये कोयले ले लेते हैं, और ऐसे इसका एक ढेर लगा करके उसमें बीच में कपूर डाल देते हैं। कपूर के जो एक जैसे इसमें है, ये ऐसा पैकेट में आता है, और इसके अंदर होते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे ब्रिक्स होती है कपूर की, छोटी छोटी। कपूर इसलिए भी फायदेमंद है कि ये आपको वातावरण भी शुद्ध रखेगा, और ये ऐसे इसकी छोटी छोटी जो है ये ब्रिक्स होती है देखो कपूर की। ये हम ऐसे जो इसकी ढेरी है उसमें डाल देंगे, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, एक तिल्ली में आग पकड़ लेता है। और ये देखो कितने ज़ोर से आग पकड़ ली, तो छोटा सा एक ब्रिक ही काफ़ी है, एक या दो ब्रिक आप डाल लो, उसमें सस्ता भी आता है अच्छा भी रहता है। और उसके बाद जो पूरी ढेरी है उसके ऊपर ये जो हम कुकिंग ऑयल लेते हैं उसको थोड़ा सा डाल दो, ये देखो ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो आग है कोयले में जल्दी से लग जाती है। उसके बाद थोड़ा सा वो दिखाओ भाई, प्लास्टिक का सर्कल, कोई भी जैसे हम गत्ता लेके पहले हवा करते थे, पंखा लेके किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम हवा करेंगे ऐसे ऐसे करके, या ये जो खुला हुआ पोर्शन है यहाँ पर अगर नीचे से हवा करेंगे तो ये पूरे में जितने भी कोयले की ढेरी है सभी कोयलों में बराबर आग पहुँचेगी, और सभी कोयले जल्दी से सिलक जाएंगे सारे। और उसके बाद आप बढ़िया तरीके से पनीर टिक्का, मलाई टिक्का, चाप जो चाहो वो बना सकते हो। तो दोस्तों और इसमें स्टिक्स भी, आज लोहड़ी भी है, कल संक्रांत है, और ये स्टिक्स हैं, दिखा दा, ये नोटे लग से दिखा रहे हैं स्टिक्स। इसमें पनीर टिक्का, चाप, मशरूम वगैरह ऐसे डाल डाल के, और जैसा हम सेक सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर फिर हम सेक के दिखाएंगे, बाद में वीडियो बनाएंगे सेकते हुए का, कि नोटे लग से कैसे बनाता है चाप और पनीर टिक्का, होम मेड पनीर टिक्का या चाप। ऐसा तंदूर सस्ता मिल जाता है मार्केट में, और सर्दी के दिनों में आपकी सारी तमन्नाएं भी पूरी कर देता है। इसमें आप शकरकंदी भून सकते हो, आलू भून सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें आप शुगर डाल के वो भी आपका स्वीट पोटैटो बन सकता है। हाँ, शकरकंदी भून के आप खा सकते हो, और नॉन वेज वाले भी इस पे नॉन वेज खाते हैं वो इन सीख में जो है चिकन या जो भी वो खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेज वाले भी वो जानते होंगे शायद अच्छे से कैसे इसको फ्राई करते हैं, या क्या कहते हैं उसको, भूनते हैं रोस्टेड चिकन, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता रहता है, और होममेड डिलीशियस और प्योर चीज़ों का फ़ायदा भी उठ सकता है। हमारा ये पूरी तरह से तैयार है, दो मिनट के बाद इस पर हम इसका कार्रवाई शुरू कर देंगे। पनीर टिक्का और मलाई
पनीर टिक्का और चाप है। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूँगा सभी को, जो भी अंगीठी या इस तरह का कोयले का जो भी ये तंदूर है, होममेड तंदूर है या अंगीठी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार मैं सभी से कह रहा हूँ, पढ़े लिखे इंसान भी गलती कर जाते हैं, कि इसको बंद कमरे में ना रखें। कोयले का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोयले को यूज़ होने वाला, कोयले में यूज़ होने वाला, चाहे अंगीठी है, चाहे तंदूर है, चाहे ऐसा कोई भी आइटम है जिस जो जो आप सर्दी के दिनों में सिकने के लिए और गर्मी महसूस करने के लिए यूज़ करते हो, पढ़े लिखे इंसान भी, एजुकेटेड लोग भी गलती कर जाते हैं, बंद कमरे में बिल्कुल ना रखें। नहीं तो इससे निकलने वाली जो मोनोऑक्साइड ही होती है, शायद जहरीली गैस होती है, इंसान को पता भी नहीं चलता। वो बैठे बैठे सोचते हैं, सिख रहे हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, छह लोग हैं, जितने लोग भी होंगे बंद कमरे के अंदर, अंगीठी हो चाहे इस तरह का तंदूर हो, बंद कमरे में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी डेथ हो जाएगी, आपका गला चोक हो जाएगा, और ये इससे निकलने वाली जो गैस है वो सभी को समाप्त कर देगी, सभी की ज़िंदगी। इसलिए प्लीज़ इंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखो कि बंद कमरे में अंगीठी या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट ना रखें। बाकी तो इंजॉय करो, सर्दियाँ हैं, चाप खाओ, पनीर टिक्का खाओ, है सेफ्टी के साथ, लेकिन सेफ्टी पहले है, ठीक है भाई, नोटे लक्ष्य। बताओ नहीं, तुम्हें पता है ना बेटा कि इस मौसम फिर आपने बोला हाँ बोला क्यों आपने मजनू बिना